सो 51 स्टोरी है सुशील की और उसकी पारिक फैमिली की. आप सोचेंगे कि 51 क्या है, क्या नया कॉन्सेप्ट है, एवरीबडी इज़ कन्फ्यूज अबाउट इट. सो 51 इसलिए नाम रखा है क्योंकि सुशील अपने खानदान की, पारिक खानदान की 51वीं संतान है, इसलिए शो का नाम भी 51 है. ऑल्सो हमारे हिंदू कल्चर, हमारे हिंदू रिलीजन में जो 51 है एक बहुत ऑस्पिशियस, एक लकी नंबर माना जाता है. और जो मेरी फैमिली है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो 51वां जो बच्चा होगा हमारे खानदान का, ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग बैक जो खोया हुआ मान सम्मान, धन संपत्ति, खुशियाँ हैं वो वापस लेकर आएगा. सो ऑब्वियसली सबको लगता है कि ये सब तो एक लड़का ही ला सकता है, पर हो जाती है लड़की. एंड द यूनिकनेस अबाउट दिस स्टोरी 51 है कि सुशील को एक छोटी बच्ची जो जिसकी उसको पैदा करती है, उसकी माँ का देहांत हो गया था, उसको उसकी फैमिली में और कोई औरत नहीं है और उसको चार मर्दों ने पाला है. सो दैट इज़ द यूनिक कॉन्सेप्ट विच 51 इज़ गेटिंग फॉर ऑल द व्यूअर्स. कुछ भी डिफरेंट नहीं सीखना पड़ा. आई थिंक सुशील और प्राची बहुत सिमिलर हैं आपस में, दोनों ही लंबे हैं, दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, दोनों ही हार्ड वर्किंग हैं, दोनों ही दिल के साफ हैं. तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जो सुशील को हेल्प कर रही, जो सुशील को हेल्प कर रही है एक किरदार निभाने में, जो कि एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि बाकी बेटी बहू सास जो आप देखते हैं टीवियों टीवीज पर चैनल्स पर, उससे हटकर है. विमेन एम्पावरमेंट पर कॉन्सेप्ट है हमारा और बहुत ही, मैं तो आई फील लकी कि मुझे जो दियाबाती में भी एक बहुत चैलेंजिंग रोल प्ले करने को मिला था जो मेरा इससे पहले वाला सीरियल था, और इसमें भी बहुत चैलेंजिंग रोल है क्योंकि एक मैसेज देना होता है एंड टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर जो बाकी सारे व्यूअर्स को, लड़कियों को एक मोटिवेशन दे, इंस्पिरेशन दे, इंस्पायर करे, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि एज प्राची एज सुशील मुझे निभानी है. तो आई होप मैं जस्टिस करूं और आप सबको मेरा कैरेक्टर पसंद आए. 51 बहुत ही अलग है, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, लड़कों वाली घड़ी, मेस्ड अप हेयर, लड़कों वाली टी शर्ट, लूज पैंट और स्पोर्ट्स शूज़, तो यही मेरा कैरेक्टर है. सुशील बिल्कुल भी सुशील नहीं है. सुशील ना तो जैसे सुशील लड़कियों की तरह दिखती है और ना ही उसके नेचर में कुछ ऐसा है जो सुशील हो. तो सुशील बिल्कुल लड़कों की तरह ब्रैश है, बास्केटबॉल खेलना पसंद करती है, जन्माष्टमी में मटकी फोड़ना पसंद करती है, घर का ना तो चाय बनानी आती, ना उसको कपड़े तय करने आते, ना खाना बनाना आता. सो बिल्कुल ही हटकर है. और मेरा मानना है कि हर एक लड़की में कहीं ना कहीं एक सुशील किसी ना किसी टाइम पर मौजूद होती है. तो आप उसी सुशील की जर्नी है. सुशील यही मैसेज देती है कि आप जैसे हो अपने आप से प्यार करो. सुशील लंबी है हाइट में, लोग उसको चिढ़ाते हैं, ऊँटनी बोलते हैं, कभी कुछ और कह के चिढ़ाते हैं, बट उसको इस चीज़ का बुरा नहीं लगता. उसकी फैमिली उसके साथ है, उसको सपोर्ट करती है, उसके तीनों जो पिता हैं वो उसके साथ हैं, तो वो बिंदास रहती है. उसको कोई कुछ भी बोले उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता. एंड वो यही इंस्पिरेशन भी देती है कि हर एक इंसान में यूनिक क्वालिटी है. मैं लंबी हूँ तो वो सुशील की यूनिकनेस है, आप में भी एक अलग यूनिक क्वालिटी होगी. आप उसको पहचानो, उसको उसमें बिलीव करो और उसको यूटिलाइज़ करो कुछ अच्छा करने के लिए अपनी लाइफ में. यही एक मैसेज है जो सुशील सारे व्यूअर्स को, सारी लड़कियों को स्पेशली देती है. तो 51 जो कि बहुत जल्द आ रहा है स्टार प्लस पे 13 नवंबर से शाम को 8:30 मंडे टू फ्राइडे, देखना मत भूले सुशील और उसकी पारिक फैमिली को स्टार प्लस पे 51 में. थैंक यू.